अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम 9 क्लास साइंस ग्रुप के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 जो कि है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, उसकी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास उसकी जो स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं, जो कि है डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। कि नीचे जो हमारे पास मैट्रिसेस दिए गए हैं क्या वो एक दूसरे का इन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हैं या नहीं। अब हम अगर क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, इसका जो पार्ट 1 है, इसमें हमारे पास टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस दिए हैं। आप इसकी स्टेटमेंट को देखते हुए हमने क्या करना है कि सिंपली एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, यानी कि अगर आप इस वाले मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे, जो कि ऑलरेडी पीछे आप ब्रीफली इस टॉपिक को पढ़ चुके हो, जिसमें आप इनवर्स फाइंड करते हो जिसकी एक स्पेसिफिक साइन होती है और उसका एक फार्मूला भी होता है, उस फार्मूले को आप कैरी ऑन रखते हुए उसके फार्मूले की रिक्वायरमेंट को देखते हुए वैल्यूज को फाइंड आउट करते हो, तो आपके पास आंसर आ जाता है। अब जैसे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया गया, अगर आप इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करोगे उसी तरह फार्मूले के मुताबिक इसको सॉल्व करोगे, फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा, यानी कि ये जो वैल्यू है बेसिकली इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, यानी इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जब फाइंड करोगे तो आंसर ये आएगा, और इसी तरह जब आप इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करोगे तो इसका आंसर आपका ये वाली आएगी। तो आप इसको एक मैं क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट 1 है वो आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, इसी तरह सेकंड पार्ट जोन है वो आपने खुद उसको जज करना है, खुद उसको देखना है कि आया क्या हमारे पास पहला मैट्रिक्स जब आप इसका इनवर्स फाइंड करते हो आया क्या इसका आंसर ये आता है कि नहीं, यानी कि ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है या नहीं। तो जैसे कि हमारे पास इसमें दो मैट्रिक्स है, पहला मैट्रिक्स है इसको मैं नाम दे देता हूं ए का, लेट ए इज इक्वल टू 3, 5, 4 एंड 7। अब चूंकि इस मैट्रिक्स का आपने इनवर्स फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करने के बाद ये जज करना है कि आया कि हमारे पास जो आंसर आता है क्या इस शक्ल का आता है कि नहीं, या इस मैट्रिक्स के इक्वल होता है या नहीं। तो हमारे पास ए का हमने इसको नाम दे दिया, तो आप जब इसका ए का इनवर्स फाइंड करोगे तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे, एडजॉइंट में हम जब भी किसी मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं तो डायगोनल साइड्स की प्लेसेस को चेंज करते हैं, जैसे कि 7, 3 की जगह चले जाएगा 3, 7 की जगह 7 एंड 3, और इन दोनों की साइज चेंज हो जाएंगी, आ जाएगा -5 एंड -4। इसी तरह ए का डिटर्मिनेंट आप फाइंड करते हो जब, तो ए डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है, ए मैट्रिक्स जो कि है 3, 5, 4 एंड 7। डिटर्मिनेंट में आपको पता है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 7, और हमेशा साइन माइनस की होती है दरमियान में, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 3s are 21, इसी तरह -5 4s are 20, 21 में से 20 माइनस किया तो क्या आ गया आपके पास 1। नेक्स्ट हमारे पास जो ए इनवर्स का हमारे पास जो फार्मूला है उसमें जो वैल्यूज रिक्वायर की गई थी, एक एडजॉइंट ए हमें रिक्वायर किया गया था, इसी तरह ए का डिटर्मिनेंट हमें रिक्वायर किया गया था, और दोनों वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर ली है। जस्ट अब हमारे पास जो ए इनवर्स का फार्मूला है उसमें हम उसको पुट करेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए का आंसर आपने ये निकाला है जो कि है 7 -5 -4 एंड 3 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट का आंसर आपने क्या निकाला है 1। तो आपको पता है 1 से जो भी वैल्यू डिवाइड होती है, अगर आप इसको सेपरेटली 1 को सबके साथ डिवाइड करेंगे तो सिंपल सी बात है वही वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। तो 1 को आप इग्नोर करते हुए उसको, चूंकि आप डिवाइड करते हो ओवर के नीचे, वैसे भी हम 1 नहीं पुट करते, जस्ट समझाने के लिए मैंने उसको लिखा कि क्योंकि डिटर्मिनेंट का आंसर आपका 1 आया तो इसलिए मैंने पुट किया उसको, तो 1 को खत्म करते हुए हमारे पास जो फाइनली आंसर आएगा 7 -5 -4 एंड 3 जो कि एज इट इज इक्वल आ जाएगा किसके, सेकंड मैट्रिक्स के। तो यही इसका प्रूव है, इसमें आप सिंपल तरीके से आप जो पहला मैट्रिक्स होगा उसका इनवर्स लोगे, उसका इनवर्स का जो आंसर आएगा वो सेकंड मैट्रिक्स के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, यही इसकी निशानी है। ठीक है, इसी से आप ये चीज जज कर सकते हो कि आया कि हमारे पास जो दो गिवन मैट्रिसेस हैं क्या वो एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हैं या नहीं। तो ये इसका जो सेकंड पार्ट है,
आपने ये खुद सॉल्व करना है। इसी तरह पहले मैट्रिक्स को एक नाम दे देना है, कोई भी आप दे सकते हो, ए भी दे सकते हो, बी बी सी भी। तो उसका आप जब आप इन्वर्स फाइंड करोगे तो फाइनली ये जज करना है कि आया कि हमारे पास जो आंसर आया है वो सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल आता है या नहीं। तो आप इसका जो सेकंड स्टेप है ये भी कर सकते हो कि सेकंड मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लो। सेकंड मैट्रिक्स का जब आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लोगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, सेकंड पार्ट आप खुद करोगे इसको घर में नोटबुक में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसको करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 हम करने जा रहे हैं और इसका जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल पार्ट नंबर 1 से मिलता जुलता है। तो इसका फर्स्ट पार्ट ही मैं करूंगा और जो सेकंड पार्ट है वो आपने खुद करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा सा एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चंस जो आपने इस एक्सरसाइजेस के किए हैं उनसे थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन करने में आसान ही है, उसमें मुश्किल बात कोई नहीं है। हमारे पास उसी तरह इक्वल के लेफ्ट साइड पर हमारे पास कुछ सॉल्व करने की वैल्यूज दी हैं और इसी तरह इक्वल के राइट साइड पर भी कुछ वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए दिया है। तो आपने उसी तरह पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, फिर आपने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। दोनों के आंसर्स इन द एंड क्या आने चाहिए, आपके इक्वल आने चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व करते हैं, जो कि है ए बी इनवर्स, इनवर्स की साइन ऊपर पुट की गई है। तो सबसे पहले हम जब ए बी का इन्वर्स फाइंड करेंगे तो जारी से बात है हमारे पास ए बी फाइंड होना चाहिए, यानी कि ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को हम पहले सॉल्व करते हैं। इससे पहले भी क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया है कि जब भी हमारे पास होल ट्रांसपोज हो या होल किसी भी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस का इन्वर्स हो तो सबसे पहले आप उन मैट्रिसेस का जो ब्रैकेट के अंदर दिए जाते हैं, उनका उनका को प्रोडक्ट दिया जाता है, उनका पहले प्रोडक्ट फाइंड करते हो। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें ए बी का इन्वर्स है, उसमें एक सिंगल मैट्रिक्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा, टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं जिसमें एक ए और एक बी है और ए और बी बेसिकली आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका इन्वर्स फाइंड करने से पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो ए बी दिया गया है यानी कि ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है उसको पहले फाइंड करेंगे। तो ए बी पहले फाइंड कर लेते हैं, ए बी ए की जगह ए का मैट्रिक्स आ जाएगा जो कि है 4, 0, -1 and 2। इसी तरह बी मैट्रिक्स है -4, -2, 1, -1। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 × -4 + 0 × 1। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 × -2 + 0 × -1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 × -4 + 2 × 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 × -2 + 2 × -1। इसको मजीद सॉल्व करेंगे हम, प्लस माइनस माइनस, 4 × 4 = 16 हो गया, प्लस 0 से वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है 1, तो 0 ही आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस -4 × 2 = 8, प्लस माइनस माइनस 10 × 0, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 × 1 = 4, प्लस 2 × 1 = 2। इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी 2 × 1 = 2, प्लस माइनस माइनस 2 × 1 = 2। हमारे पास ए बी का जो फाइनली आंसर आया है वो है -16 - 8। 0 के साथ जो भी हमारे पास टर्म होती है उसको 0 को नहीं लिखते, उसकी जो अलावा टर्म दी जाती है, रियल नंबर दिया जाता है, उसको वैसे एज इट इज लिख दिया जाता है। 4 में से 2 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 और ये 2 से कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास क्या आ गया, 0। ये हमारे पास आ गया ए बी। अब चूंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ए बी का इन्वर्स रिक्वायर है तो आप ए बी का इन्वर्स फाइंड करेंगे। अब ए बी का आंसर हमारा एक सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है जो कि ए और बी का प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट का आंसर आ चुका है। अब हम ए बी का टोटली जो हमारे पास इन्वर्स है वो फाइंड करेंगे, ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू, आप इन्वर्स आप जिसका भी फाइंड करते हो उसका एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को आपको फॉलो करना पड़ता है और वो जो फार्मूला है वो बेसिकली जिसका भी आप इन्वर्स फाइंड करते हो सबसे पहले उसका एडजॉइंट निकालते हो, जैसे कि ए बी का इन्वर्स फाइंड हो रहा है एडजॉइंट ए बी, और उसी के डिटर्मिनेंट के साथ उसको क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो, यानी इसका फार्मूला कुछ ऐसे बनेगा एडजॉइंट ए बी ओवर ए बी का क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास ए बी का आंसर मौजूद है ऑलरेडी पीछे, ठीक है। तो इस फार्मूले को देखते हुए तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एडजॉइंट ए बी, पहले हम एडजॉइंट ए बी फाइंड करेंगे इज इक्वल टू, ये हमारे पास ए बी का मैट्रिक्स है जो कि ए और बी को मल्टीप्लाई करके आपको हासिल हुआ है। तो एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, जो डायगोनल साइड्स होती हैं उनकी प्लेसेस को चेंज करते हैं, यानी 0 माइनस 16 की जगह चले जाएगा और माइनस 16 किधर चले जाएगा, 0 की जगह, यानी इधर आ गया 0
और इधर आ गया माइनस 16, और जो नॉन डायगोनल साइड्स होती हैं उनकी साइंस को चेंज किया जाता है, जो माइनस 8 हो जाएगा वो प्लस 8 बन जाएगा, इसी तरह जो प्लस 6 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस 6। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ए बी। इसी तरह हमें ए बी का क्या चाहिए, ए बी का डिटर्मिनेंट। हमारे पास ए बी का जो मैट्रिक्स है वो लिख लेते हैं, माइनस 16 माइनस 8 6 एंड 0। तो हम जब भी किसी भी टर्म का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं रियल नंबर्स को। माइनस 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, दरमियान में माइनस, और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 8 के साथ। तो 0 से जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है 0 आता है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 6 8 48। और फाइनली हमारे पास जो आंसर आया है ए बी के डिटर्मिनेंट का वो है 48। अब हमारे पास जो इनवर्स का फार्मूला, आपने ए बी का इनवर्स का फार्मूला लिखा था, उसमें जो जो दो वैल्यूज रिक्वायर थी, एक एडजॉइंट ए बी रिक्वायर था वो फाइंड ये कर लिया आपने, इसी तरह ए बी का डिटर्मिनेंट रिक्वायर था वो आपने ये फाइंड कर लिया, 48 इसका आंसर आ गया। अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर देते हैं, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बी ओवर ए बी डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए बी की जगह क्या आ जाएगा उसका मैट्रिक्स जो आपने फाइंड किया, 0 8 माइनस 6 एंड माइनस 16 डिवाइड हो रहा है किसके साथ, ए बी के डिटर्मिनेंट के साथ। तो ए बी के डिटर्मिनेंट का आंसर आपने क्या निकाला है, 48। अब ये 48 इन तमाम मैट्रिक्स के जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सब के साथ अलग अलग क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 0 डिवाइडेड बाय 48, 8 डिवाइडेड बाय 48, माइनस 6 डिवाइडेड बाय 48, माइनस 16 डिवाइडेड बाय 48। 0 से डिवाइड होगा तो 0 ही आ जाएगा, अभी कटिंग हो जाएगी, 8 1s are 8, 8 6s are 48, न्यूमिनेटर में 1 आ रहा है, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 6, इसी तरह 6 1s are 6 8s are 48, इसी तरह माइनस है साथ इसके, 1 ओवर 8 हो गया, 16 1s are 16 3s are 48, इसी तरह माइनस है साथ किया आ गया 1 ओवर 3। ये आ गया फाइनली आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ठीक है। इसमें हमारे पास चूंकि होल इनवर्स था, अब हमारे पास इसकी जो राइट हैंड साइड है वो हम करने जा रहे हैं, तो उसको स्टार्ट करते हैं। इसकी हम राइट हैंड साइड स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है आपकी बी इनवर्स ए इनवर्स। अब इसमें और लेफ्ट हैंड साइड में फर्क यही है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा पास होल इनवर्स था, यानी सारों का इकट्ठा इनवर्स था, और राइट हैंड साइड में सेपरेटली अलग अलग इनवर्स दिया गया है, बी का भी और ए का भी, और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि इनका प्रोडक्ट ही फाइंड करोगे। लेकिन सबसे पहले आपके पास इन दोनों के सेपरेटली अलग अलग क्या फाइंड करोगे, आप इनके इनवर्स फाइंड करोगे। यह अलग अलग इनवर्स देने का मकसद ये है कि पहले इनवर्स फाइंड करें इन दोनों के अलग अलग, फिर उनके आंसर जो भी आएंगे उनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो इनका प्रोडक्ट निकालने से पहले हम पहले बी का इनवर्स फाइंड करेंगे, ए का इनवर्स अलहदा से फाइंड करेंगे। तो बी का इनवर्स फाइंड कर रहे हैं तो आप जिसका भी इनवर्स फाइंड करते हो उसका फार्मूला होता है, एक फार्मूला स्पेसिफिक, जैसे कि बी का इनवर्स फाइंड करने लगे तो क्या फार्मूला होगा, एडजॉइंट बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास बी मैट्रिक्स दिया गया ऊपर क्वेश्चन में, तो इस फार्मूले के मुताबिक सबसे पहले हमें एडजॉइंट बी चाहिए। एडजॉइंट बी में हम इसकी जो डायगोनल साइड्स हैं उनकी प्लेसेस को चेंज करेंगे, माइनस 4 की जगह माइनस 1 आ जाएगा, यानी इधर चला जाएगा ये इधर आ जाएगा, और माइनस 1 की जगह माइनस 4 आ जाएगा, इन दोनों की साइंस चेंज होंगी, माइनस 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 2 में, और जो प्लस 1 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस 1 में। आगे बी का डिटर्मिनेंट आपको चाहिए, बी डिटर्मिनेंट, बी हमारे पास क्या दिया, माइनस 4 माइनस 2 1 माइनस 1, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, दरमियान में माइनस आता है, और 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, ये आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1s are 4, माइनस माइनस प्लस, 2 1s are 2, 4 में 2 प्लस किया क्या आ गया आपके पास 6। तो बी इनवर्स का के लिए जो हमें दो वैल्यूज रिक्वायर थी, एक एडजॉइंट बी चाहिए तो एक बी डिटर्मिनेंट, दोनों आपने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इसमें पुट कर देते हैं इसको, क्वेश्चन का साइड थोड़ी लेंथी है, ज़रा मैं इसको मैं क्लोज करके लिख रहा हूँ ज़रा। तो हमारे पास बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट बी, ये एडजॉइंट बी आपने फाइंड किया, उसकी जगह उसका मैट्रिक्स आ जाएगा, माइनस 1 2 माइनस 1 एंड माइनस 4, जी। अब ये डिवाइड हो रहा है बी डिटर्मिनेंट से, डिवाइड बी डिटर्मिनेंट का आंसर आपने क्या निकाला है 6। अब आपने
इस क्वेश्चन में खास तौर पे ध्यान में रखना है कि आप 6 को इन तमाम डिजिट्स के साथ अलग अलग डिवाइड करके तब भी सॉल्व कर सकते हो, और इस आंसर को यहाँ तक आप रहने दें, यानी कि 6 को अभी डिवाइड ना करें एज इट इज, समझे बी इनवर्स का आपके पास आंसर आ चुका है, इस तरह इसको सॉल्व करेंगे तो तब भी ठीक है। तो इसमें ज़्यादा फेवरेबल मेरे मुताबिक, मुझे ऐसे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए जो ज़्यादा इजी वे होगा वो ये होगा कि इसमें आप 6 को डिवाइड ना करें। अगर 6 को आप डिवाइड करोगे तो बीच में फ्रैक्शंस आ जाएंगे, रियल नंबर्स में हमारे पास ओवर में टर्म्स आ जाएंगे जिनको जिनका प्रोडक्ट निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। साइंस में अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं बच्चों की, एलसीएम लेने में ज़रा प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे बेहतर ये है कि आप 6 को जो सा डिवाइड हो रहा है इस मैट्रिक्स के हर डिजिट के साथ सेपरेटली, आप डिवाइड ना करें इसको, वैसे का वैसे रहने दें, एंड पे जाके डिवाइड होगा। ये आपके पास आ गया बी इनवर्स का आंसर। तो आपको अब चाहिए ए इनवर्स का आंसर चाहिए, तो ए इनवर्स का हमारे पास जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या फार्मूला बनेगा, एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो इस फार्मूले के मुताबिक जैसे फार्मूला इनवर्स का है वो एज इट इज सेम रहा है, जस्ट ए की जगह क्या आ गया, बी की जगह क्या आ गया, आपका ए आ गया। तो फार्मूले की जो अरेंजमेंट है उसका करने का तरीकेकार है वो एज इट इज सेम रहा है, कोई फर्क नहीं उसमें है। एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे पहले, ए हमारे पास मैट्रिक्स ये दिया गया है तो उसकी जो डायगोनल साइड्स हैं उनकी प्लेसेस को चेंज करेंगे, 2 4 की जगह चला जाएगा, 4 2 की जगह आ जाएगा, यानी कि 2 4। इसी तरह 0 के साथ कोई साइन नहीं होती, उसकी साइन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो -1 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 के साथ। इसी तरह सेकंडली हमें ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, ए डिटर्मिनेंट, ए हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है वो है 4 0 -1 and 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको, 4 को 2 से, -1 0 से, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में -1 मल्टीप्लाई बाय 0, 4 2 8, -1 + 0 से मल्टीप्लाई होगा 1 0 ही आ जाएगा, और 8 वैसे का वैसे आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया ए का डिटर्मिनेंट। अब ए इनवर्स के फार्मूले पे आते हैं, उसमें हमें एडजॉइंट ए चाहिए था, ए डिटर्मिनेंट चाहिए था, फिर उन दोनों को आपने आपस में क्या करना था, डिवाइड करना था, यानी इस फार्मूले में पुट करना था। तो इसके लिए हमारे पास एडजॉइंट ए का भी आंसर आ चुका है और ए डिटर्मिनेंट का भी आंसर आ चुका है, तो इधर इसको पुट कर लेते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए आपने ये फाइंड किया तो उसकी जगह एडजॉइंट ए की जगह उसका मैट्रिक्स आ गया 2 0 1 and 4, डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट है, ए डिटर्मिनेंट का आंसर आपने ये निकाला है, उसकी जगह क्या आ गया 8। तो आप 8 इसको डिवाइड ना करें, ठीक है। फिलहाल हमारे पास राइट हैंड साइड के लिए हमने बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करना था ए इनवर्स के साथ, जिसके लिए बी का इनवर्स भी आपको चाहिए था जो कि ऑलरेडी आपने ये फाइंड कर चुके हैं, और ए का भी इनवर्स आपको चाहिए था जो कि ये आपने अभी फाइंड किया रिसेंटली। तो इन दोनों आंसर्स को हम आपस में अब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास जो पूरी की पूरी राइट हैंड साइड दी गई है उसको लिख लेते हैं, जो कि है बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इज इक्वल टू, बी इनवर्स है पहले आ रहा तो बी इनवर्स का आंसर आपने ये निकाला हुआ है, उसकी जगह उसका आंसर पुट करें जो कि है -1 2 -1 and -4, डिवाइड किससे हो रहा है 6 से। इसी तरह आगे ए इनवर्स है, ए इनवर्स का आंसर जो सा है उसकी जगह उसके पुट करेंगे, इनवर्स का आंसर आपने ये निकाला हुआ है तो इसकी जगह उसको पुट करते हैं 2 0 1 and 4, डिवाइडेड बाय क्या आ गया 8। अब सिंपली आपने क्या करना है कि ऊपर वाला मैट्रिक्स ऊपर वाले से के साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला रियल नंबर नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी अरेंजमेंट आपको ऑलरेडी पता है कि इनमें रोज एंड कॉलम वाइज इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी -1 multiplied by 2 + 2 multiplied by 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से -1 multiplied by 0 + 2 multiplied by 4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 multiplied by 2 + -4 multiplied by 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 multiplied by 0 + -4 multiplied by 4, और डिवाइडेड बाय ये दोनों आपस से मल्टीप्लाई होंगे तो 6 8 आर क्या हो जाएगा आपके पास 48। माइनस प्लस -2 1s are 2 + 2 1s are 2, इसी तरह -1 0 से होगा तो क्या आ जाएगा 0 + 4 2s are 8, माइनस प्लस -2 1s are 2 + -4 1s are 4, 0 से डबल मल्टीप्लाई हो रहा है 0 ही आ जाएगा, +-4 4s are 16, डिवाइड किससे हो रहा है 48 से।
मज़ीद इसमें इसको करेंगे, 2 से कैंसिल आउट होगा, क्या आ गया 0, इधर आ गया 8, ये दोनों माइनस किए हैं, साइन माइनस लगेगी, दोनों को क्या कर देंगे प्लस, 4 2 6 आ जाएगा, 4 में से 2 प्लस किया और 0 को इग्नोर करते हुए आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 16। ये हमारे पास फाइनली मैट्रिक्स आया जो कि डिवाइड हो रहा है किसके साथ, 48 के साथ। अब इस मैट्रिक्स के हर डिजिट के साथ 48 अलग-अलग क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, उसको इधर कर देते हैं, यह आ जाएगा 0 ओवर 48, 8 ओवर 48, माइनस 6 ओवर 48 एंड माइनस 16 ओवर 48। फाइनली आंसर आया आपके पास, 0 से डिवाइड हो रहा है तो 0 ही आ जाएगा, 8 वन ज़ार 8 सिक्स ज़ार 48, 1 ओवर 6 हो जाएगा, 6 वन ज़ार 6 8 ज़ार 48, इसके साथ माइनस आ रहा है तो ये आ जाएगा माइनस 1 ओवर 8। और फाइनली 16 वन ज़ार 16 थ्री ज़ार 48 माइनस है, ऊपर 1 नीचे क्या आ गया कटिंग होकर 3 आ गया, तो नीचे 1 ओवर 3, ये आपके पास इसका क्या आ गया आंसर। अब आपने इसको टैली कर लेना कि आया कि हमारे पास जो राइट हैंड साइड का आंसर है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आया है कि नहीं, तो होपफुल है कि मेरे ख्याल से हाँ ये इक्वल आ गया है। तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वो अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है तो फाइनल आपने स्टेटमेंट उसी तरह ही जैसे आप पीछे करते हुए आ रहे हो, सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फाइनली आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट नंबर 1 था वो मुकम्मल हो चुका है और इसका जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है। आपने अगर सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है तो आप फर्स्ट पार्ट के लेक्चर को बड़ा ब्रीफली आपने देखना है, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से समझना है, उसकी अरेंजमेंट को वैल्यूज़ को किस तरीके से अरेंज करके उनको आपस में सॉल्व करना है, कहाँ कहाँ फार्मूला लगना है, कहाँ कहाँ फार्मूला कितना अप्लाई करना है, ठीक है, वो तमाम मैंने तरीक़ेकार बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन किया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो होपफुल हूँ कि आपको उसको अच्छे तरीके से समझ आएगी और आप नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है वो इंशाल्लाह अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। तो फाइनली आपके पास जो 1.5 एक्सरसाइज थी उसका मुकम्मल सॉल्व हो चुकी है, वो मुकम्मल हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में 1.6 को सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।